डेंटल कैंप क्यों बना रहे हैं? ये डेंटल कैंप इसलिए बना रहे हैं कि इन्हें लगता है कि हम इनके उंगली पे नाचेंगे। अरे भैया ये बात याद रख लो, अगर जीत गए तो आजादी और हार गए तो सर पर कफन बांध के घूमते हैं। वोट से वोट देने का जब दिन आता है तो भाइयों बहनों आप हमें वोट तो अच्छे दिन आएंगे, आप हमें वोट तो अच्छे दिन आएंगे, पर हमने आपको आपके फेक को बहुत लपेट दिया, खराब नहीं मोदी जी। मैंने सलाम पाक सर्कस में किया है, जो वो पाक सर्कस थे जो 69 दिनों से यहाँ प्रोटेस्ट होते हुए आ रहे हैं। मैं कोई कब्रिस्तान में सलाम नहीं कर रहा, जो जिस पाक सर्कस में जो शाहीन बाग के बाद जो नाम आता है वो सिर्फ और सिर्फ पाक सर्कस का नाम आता है, इसलिए आप लोगों को भी सलाम का जवाब भी वैसे ही देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अभी यहाँ एक म्यूजिक बज रहा था, शाहीन बाग तो मेरे भारत की शान है, तो मैं कहता हूँ शाहीन बाग भी है और पाक सर्कस भी मेरे भारत की शान है। पाक सर्कस भी मेरे भारत की शान है, क्योंकि जो अगर आप देख लीजिए पूरे प्रोटेस्ट का टारगेट देख लीजिए, तो जो दिल्ली के बाद शाहीन बाग बना है वो सिर्फ यही और यही पाक सर्कस बना है, वो सिर्फ और सिर्फ यही पाक सर्कस बना है। तो मेरे भाई मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जिस तरह ये संडे को आप धूल बना के हैं, उसी तरह आप सोचिए कि अगर हम डेली बना के रहेंगे तो वो पार्लियामेंट क्या, वो तड़ी पार क्या, वो चाय वाला क्या, उसका अच्छा भी आ जाए तो एक महीने का हो जाएगा, एक महीने भी आ जाएगा। तो आप ही का है कि जज्बा, अगर ये बात याद रखिएगा, अगर कोई बात बड़ा भी मुकर्री आ जाए और आपने जज्बा नहीं दिया, उसे हिम्मत नहीं दिया, अपना भीड़ नहीं किया, तो उन्हें भी बोलने में मज़ा नहीं आएगा। और ये प्रोटेस्ट एक ऐसा चीज है जिसमें हम एक दो एक हो जाते हैं, इसलिए तो मोदी जी कहते हैं कि कोरोना वायरस से बचना है तो भीड़ ना मचे, चलता है कि हमारा जो भीड़ है ये कोरोना वायरस से बचने के लिए ये सोचते हैं कि भीड़ में जाएंगे तभी तो मेरा पत्ता कट जाएगा, इसलिए और वो लोग हमसे कैरी होने का सबूत मांगते हो, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ तो पहले आप अपना दिखाइए, मैंने कल भी कहा था, और हमारा देखना चाहते हो तो चलिए हमारे साथ आगरा में साथ में है खेना हमारा, और देखना चाहते हो तो लाल किला है ना हमारा, जो इंग्लैंड वालों को तुमने दिखाया तो वही तो है हमारा, वो तुम्हारे बाप की नहीं है, इसलिए तो किसी शायर ने कहा था सबों का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सबों का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, वो जो ताजमहल तुमने दिखाया तो वो तो हमारा ही था। जब आपको एक बात बता देता हूँ, जब मुगलियों का जब जमाने में राज चलता था तो पैसा जानते सोने का होता था, उससे हर एक का दुख वो हो जाता था सर, और ये आज देखिए नोट को भी छोटा कर दिया, इनका छोटा सोच कैसे है, और चाय तो पूरी का रिश्ता कैसे होता है, ठंडा में जो खाते हैं ना, तो ये कह रहे हैं ना कि अगर जिसको नौकरी नहीं मिले ना वो पकौड़ी बेचे, वो पकौड़ी बेचे, तो मैं इन्हें कहना चाहता हूँ अरे मोदी जी ये सोच आपकी होगी क्योंकि आप ही ने चाय बेचे, आपने स्टेशन में चाय बेचा और भीख मांगा, इन्होंने झूठ कैसे कहते हैं कि हमने चाय बेचा, पहला झूठ और दूसरा झूठ हमने भीख मांगा, तो भैया एक दिन में आप दो दो आप अपना जॉब कैसे कर लेते हैं बोलिए, एक दिन में आप दो काम कैसे कर लेते हैं, हम तो एक ही काम करते हैं, आप दो काम वो भी भीख भी मांग लेते हैं चाय भी बेच लेते हैं, भीख भी मांग लेते हैं चाय भी बेच लेते हैं। मैंने कल आपको कहा था कि अगर कोई आपके घर आए तो चाय पिलाइएगा, क्योंकि उसे पता चले जो नरेंद्र मोदी चाय बेचता था उससे लाख गुना अच्छा हमारा चाय है।